आप लोग ठीक तो हो? ठीक है ठीक है। क्या हो? अब कहाँ रहे भाषारी? अरे हाँ यार, वो बम धमाका बहुत जबरदस्त था ना, लेकिन अपना भाई क्या डेरिंग है यार। हम लोग दोनों ने अकेले ने 250 पैसेंजर लोग की जान बचाई, एयरक्राफ्ट को बचाए, लेकिन टेंशन क्या हो रहा है ना, वो एरिया की अक्की एनर्जी खींच के लेके गया यार वो। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, वो मुंबई को टारगेट क्यों कर रहा है? यही बात का तो मुझे टेंशन है, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी का वो करने क्या वाला है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो टीवी नहीं चलेगा, और अगर टीवी नहीं चला तो मैं अपनी फिल्में कैसे देखूंगी? मैडम जी, फिल्मों और टीवी के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए। सच कहा आपने, बहुत सी चीजें हैं देखने के लिए, पर अफसोस उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं है। ये भाई का मेरे को समझ में नहीं आता कि ये पंजाब से भाग के आए लिए, जब पंजाब इसके अंदर से भाग के बाहर गए लिए। फोन देखो, ये तो एक एक करके सब बज रहे। हेलो हेलो, हाँ बोलो कभी। हाँ सर, हाँ वो भी रिपोर्ट आई, वो जो भी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चालू है ना, वो लोग के घर के ट्यूबलाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, मतलब जितने कार्यक्रम है इलेक्ट्रॉनिक के, वो सब बंद चालू हो रहे सर। जहाँ तक मुझे लगता है ये आदमी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तुम विस्पतर से कहो कि इस रेडिएशन को सैटेलाइट पर ट्रैक करें और जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाओ। ठीक सर ठीक। और हाँ, वो नया इंस्पेक्टर क्या नाम है, राज हंस, उसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास पहुँचे। ठीक सर ठीक, बेस्ट हूँ। ओके, अरे भाई तू जाके सर को ज्वाइन कर, वो बोले उन्हें आने को। ठीक। मिस्टर दबंग को बोल दीजिए कि वो इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिससे मेटल की चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तभी तो हमारी गन्स भी काम नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे पास कुछ है जो इनके काम आ सकता है। ज्ञान तो नहीं देंगी। देखिए आप मुझे साफ साफ ये बताइए कि प्लेन सही से लैंड हुआ कि नहीं। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। ठीक है, राजहंस रिपोर्टिंग सर, आई कॉल यू बैक। इंस्पेक्टर राजहंस, नाइस टू मीट यू। सेम टू यू, वेलकम टू द टीम। थैंक यू सर। मिस बलविंदर ने कुछ भेजा? यस सर, न्यूमेटिक रबर गन सर, नो मेटल पार्ट्स, वर्क्स ऑन एयर प्रेशर। गुड, वेरी गुड। इतना जल्दी बताना क्या है इसमें? कभी मुंबई शहर के आधे हिस्से में लाइट नहीं है। ये बाकी हिस्से में जो ऐसा लाल टिकली गया दिख रहा ना, वो क्या है? मैग्नेटिक रेडिएशन। ये इंसान जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ मैग्नेटिक रेडिएशन फैल रहा है। अरे ये आदमी को पकड़ने का कैसा फिर? हाँ सर। हाँ कभी, सैटेलाइट मैप देखकर बताओ कि इस समय रेडिएशन शहर में कहाँ पर है। अरे सर, कोई एक जगह होती ना तो मैं आपको बता सकता था कि वो बंदा है कहाँ पे, लेकिन इधर देखने में तो अखे शहर में चालू है रेडिएशन। व्हाट, सारे शहर में? ठीक है, तुम ऐसा करो कि पहले हादसे से लेके अब तक रेडिएशन का जो सैटेलाइट डेटा है, मुझे उसका एग्रीगेट चाहिए, समझे? एग्रीकल्चर? नहीं सर, इधर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। अरे बेवकूफ आदमी, एग्रीकल्चर नहीं है। मिस बलविंदर को फोन दो, वो समझेगी, उसे फोन दो। भूल उनको सब जान, भूल गए कैसी खेती बाड़ी करेंगे। हाँ एसीपी। मिस बलविंदर, पहले हादसे से लेके अब तक रेडिएशन का जो भी सैटेलाइट डेटा है, मुझे उसका एग्रीगेट चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? पर क्यों एसीपी? आप मिस बलविंदर से मिस ब्लंडर हो, उससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि रेडिएशन कंटिन्यूअसली शहर में कहाँ पर है, समझी? हाँ। और हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। अच्छा, मैं अभी आपको फोन करके बताती हूँ। ओके जी, क्विकली। मैंने जो कहा था वो तैयार हो गया। हो ही गया बॉस, एक लास्ट स्टेप बाकी है। मेरे पास और वक्त नहीं है बॉस। हो जाएगा बॉस, हो जाएगा बॉस। बाबूलाल ने और इंतजार नहीं करूंगा। डोंट वरी बॉस, मैं कर लूंगा बॉस। बाय बाय बॉस।
ये मेरे को ऐसा वो एग्रीकल्चर क्या बोल के ऐसा समझा रहे मेरे को एग्रीगेट नहीं क्या वो क्या लेकिन वो मतलब क्या उसका मतलब कि पहले हादसे से लेकर यानी कल रात 12 बजे से लेकर अब तक थोड़े थोड़े समय में मैग्नेटिक रेडिएशन अपनी जगह बदल रही है सो अब हमें वो उस कॉमन लोकेशन को ढूंढनी है जहाँ मैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूसली प्रेजेंट है अरे यार देखो समझाने के बाद कितना सिंपल है लेकिन नाम ऐसा भारी जैसे इंडिया गेट का जुड़ा हुआ भाई है और ये है वो दो लोकेशन गॉट इट फिर से समझाओ नहीं 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 अभी मैं ही समझाता हूँ बोलो कभी सर 24 घंटे की अवेलेबल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करने के बाद ऐसी दो जगह मिले ली अपने को जहाँ पे रेडिएशन सबसे जास्ती है सर कौन सी जगह है सर एक तो वो लिंक रोड पे एक मॉल है उसका पार्किंग लॉट ये पार्किंग लॉट वही है ना जहाँ पर कल हादसा हुआ था नहीं 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 वो वाला नहीं है सर ये एक दूसरा मॉल है सर और ये बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ बंद है हाँ हो सकता है कि वो इस बंद मॉल का गलत इस्तेमाल कर रहा हो सकता है कि उसने अपना जो अड्डा है इस मॉल में बना रखा पॉसिबल है सर हो सकता है अच्छा इसका एड्रेस वही है ना लिंक रोड पर एवरशाइन नगर के आसपास कहीं हाँ सर बराबर सही बोले आप सही बोले ठीक है थैंक यू ओके सर बाय देखा क्या कड़क पहचाना राजहंस तैयार रहो बहुत जल्द इस कमीने से हमारा सामना होने वाला है रेडी सर मुझे लगता है कि यही वो जगह लेट्स लोकेट दिस तुम ऐसे करो उस तरफ जाओ यस सर 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 पूरा पार्किंग लॉट छान मारा एक भी गाड़ी नहीं है मुझे लगता नहीं कि उसका अड्डा है I think you're right. और यहाँ पर कुछ ऐसा हमने देखा भी नहीं जिस पर हम शक कर सके सिग्नल तो दिखा रहा है लेकिन किसी भी तरह की अब क्या करें सर सर कवि हमारा जो अंदाजा है वो गलत निकला ये जो बंद मॉल है इसके चप्पा चप्पा मैंने छान मारे कुछ नहीं मिला वो दूसरी जगह जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था जहाँ पर रेडिएशन हाई है उसका उसका पूरा एड्रेस क्या है बताता हूँ सर एक सेकंड अरे वो खिड़की चालू करना खिड़की अरे वो कांच वाली वहां से लाफा मार के करना सर आप जो पॉइंट पे अभी खड़े हैं ना ये वाला लोकेशन वहां से 22 किलोमीटर दूर है सर इट डजंट मैटर मुझे पूरा नाम और एड्रेस बताओ क्या एड्रेस पड़ रहा लताकुंज कॉम्प्लेक्स काशीमीरा के पास सर काशीमीरा है ना वहाँ पे लताकुंज कॉम्प्लेक्स करके एक है वहाँ पे सर काशीमीरा के पास लताकुंज कॉम्प्लेक्स राइट हाँ सर एकदम श्योर सर एक सेकंड सर वो पॉइंट का जो मैं अभी आपको बताया ना उधर बहुत जबरदस्त रेडिएशन चालू हो गया है सर आई एम ऑन इट लताकुंज कॉम्प्लेक्स तो रेखा रहती है मेरी बहन ओह माय गॉड कम ऑन लेट्स मूव मूव Thank you.
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप मेरे सामने हैं। मैं तुम दोनों के बगैर तड़प तड़प के जी हूं, हजारों बार रोया हूं मैं। देखा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं कि मुझ पे क्या बीती। 6 साल हो गए, एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, मुझसे बात भी नहीं की। मैं अकेले यहाँ पीयू के मासूम सवालों के जवाब देती रही, कहाँ थे आप? पीयू कहाँ है? पीयू पड़ोस में गई है। बुलाओ उसे, अब तो बड़ी होगी होगी। मैं उसे अपने आंखों सामने बढ़ता हुआ देखना चाहता था, खेलना चाहता था, उसकी मीठी बातें सुनना चाहता था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि 6 साल कैसे गुजरे। मैं तुम दोनों के साथ जीना चाहता था, तुम दोनों के साथ रहना चाहता था। आपकी क्या मजबूरी थी जो आप हम दोनों से दूर चले गए? जिस मिशन के लिए मैंने हाँ कहा था, वो मिशन मुझे जान का दुश्मन बन गया। पुलिस को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। ओके। और क्यों? तुम्हें बाद में समझाऊंगा। भैया आप अचानक कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अकेली हो घर पर? हाँ। पीयू कहाँ है? पीयू तो दिया के घर गई है खेलने, थोड़ी देर में आ जाएगी। बात क्या है राजहंस? ऐसा करोगी, इस प्लॉट पर जितने भी बंगले हैं उनकी तलाशी लो, और आसपास जितने लोग हैं उनसे कहो कि वो चौकन्ना रहे। यस सर। या बताइए ना, बात क्या है? बात कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतनी कि तुम और पीयू अपना सामान बांधकर अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर पर रहने चलोगे। बुलाओ सर। लेकिन भैया हम यहाँ पर ठीक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात चिंता की नहीं है, हालात यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। जैसे हालात ठीक हो जाते हैं तुम दोनों वापस यहाँ पे आ सकती हो। बुलाओ सर। मैं आपकी बहन हूँ, खतरों से खेलना मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें खतरों से खेलना आता है, लेकिन इस समय मेरी बात सुनो। जल्दी किस बात की है? मैंने कहा ना, मैं कल पीयू को लेकर आ जाऊंगी। मतलब कि तुम जिद्दी हो? हाँ, बात नहीं मानोगे, लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। जब तक पीयू वापस नहीं आती तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, समझी? बुलाओ सर। देख क्या रही हो? बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ। हेलो मिसेस शर्मा जी, क्या आप पीयू को अभी घर भेज सकती हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अरे वो अदरक वाली चाय मिलेगी? जी भैया।
ओ आकाश, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू यार, थैंक यू। कहते हैं दोस्ती में ना एहसान नहीं किया जाता, इसलिए नो थैंक यू नथिंग। यार कैसी बातें कर रहा है तू, इतने बड़े मिशन के नाम रेकमेंड करता और बोलता है कि थैंक यू मत, तो कैसे चलेगा? ओह यू डिजर्व इट। और काम बड़े बड़े समझा, काम बड़े होते हैं ना तो इंसान की जो जिम्मेदारी है वो भी बड़ी हो जाती है। और भैया आई एम प्राउड ऑफ यू। तो तू मानेगा नहीं। लेकिन काश, काश तुम सब लोग इस मिशन से जिंदा वापस आए होते। से मिलने जरूर आता, लेकिन जानते हैं कि सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई ये है कि तेरी यादें मुझे खींच कर इस घर में वापस ले आती। काश उस मिशन के लिए मैंने तुझे रेकमेंड नहीं किया हो तो। पिछले 6 साल से हम लोग यही समझ रहे थे कि तू तू जिंदा है, तू जिंदा है। रेखा, हे रेखा, अरे जल्दी जल्दी बाहर आ। अरे देख, जिसे हमने समझा था कि हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, अरे वो तो जिंदा है, यहाँ पर है। ओ यारा, तुझे जिंदा देखकर मैं कितना खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता। अरे तेरे बिना कैसे कैसे दिन गुजारे हमने। रेखा भी बाहर आएगी ना तो उसकी हालत देखना, अपने आप समझ आएगा। वो क्या देख रहा, की देख रहे है तू? मैं दिलेर, तेरे बचपन का दोस्त, मैं दिलेर, की देख रहे है तू? ओ यारा, एक बार मैनू गले लगा ले। Yeah.